नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11 और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश कराएगा। तो ये पेपर आप हमारे हाथ में देख सकते हो, ये आपका बिल्कुल रियल पेपर है, जो कि आप लोग जब ब्रांच पे जाओगे तो आपको यही का यही पेपर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये पूरा का पूरा पेपर बताएंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और विषय के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हो। अब चलिए ज़्यादा कुछ देरी नहीं करते हैं, आपको आपका पेपर पूरा का पूरा पेपर बता देते हैं, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें आपको बताएंगे छात्रों कि क्लास 11वीं का आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का पूरा पेपर आपको बताते हैं आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको देखिए 10 नंबर का एक इसमें पैसेज देखने को मिलेगा, पैसेज देख लीजिए 10 नंबर का है, 10 मार्क आप एक ही क्वेश्चन से ले सकते हो और समय आपका 2.5 घंटे का रहेगा। इसके बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं, ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है और ये पैसेज हैं आपके, आपको इसी में से ढूंढ के इनमें आपको भरना है, वो तो आपको आता ही है। तो आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग वीडियो को रोक रोक के अपनी कॉपी में लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लोग कर लेना। अब यहाँ पर देखिए ये 7वां 8वां 9वां ये भी आपके जो हैं उधर के हैं, ठीक है ना, 10वें के हैं, सॉरी 8, 9, 10 हैं। तो इनको क्या करना कि आपको प्रश्न क्रमांक 1 के हैं ये, अब यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 आ जाता है। तो 2 में भी आपको यहाँ पर देखिए फॉलोइंग देख रेड द फॉलोइंग पैस एंड मैक नोट्स एंड गिव, यहाँ पर देखिए एज ए सुबरटाई टाइटल 4 मार्क। तो इसमें भी आपको पैसेज देखने को मिले हैं, इसमें आपको पैसेज बनाना है, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद देख लीजिए आपका आता है फिर प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 भी देख लीजिए आपका 4 नंबर का है। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो करना है, या फिर आपको इसमें से कोई 4 करना है, ठीक है, 2 छोड़ देना, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है, लेकिन करना आपको 4 है इसमें से, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन। इसके बाद अथवा का देख लीजिए, अथवा में भी आपको सेम जो ही करना है, या फिर आप 4 कर लेना, इसमें से 1 छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो 4 ही बोल रहा है। इसके बाद आता है देखिए छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 5, इसमें देखिए 4 नंबर का है। तो इसमें आपको 4 करना है, ठीक है, पूरी। और यहाँ पर देखिए सेक्शन सी से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 पे इसमें आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 इसमें आपको 6 देखने को मिले लेकिन इसमें 5 आएंगे आपके। इसमें आपको जो है टिक लगाना है कि जो सब्जेक्ट है उसको आपको सही तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से जैसे कि टिक लग रहे हैं उसी सेम उसी प्रकार आपको इसमें टिक लगाना है। इसके बाद देखिए छात्रों आपका आता है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7वां। तो यहाँ पर देखिए 7वीं देख लीजिए दोस्तों, दो इज डिश कॉन्ट्रैक्ट एनी 5। तो इसमें भी सेम टू सेम आपको वही करना है, चेंज नेगेटिव और वो वाला आपको करना है, ताकि आपका जो शब्द है वो सही तरीके से जम सके। इसके बाद देख लीजिए छात्र प्रश्न क्रमांक 8वां देख लीजिए, इसमें भी आपको पैसेज ही देखने को मिल रहा है, 6 नंबर का है आपका ही। और इसके जो क्वेश्चन है वो नीचे आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद फिर देख लीजिए छात्रों आपका आता है प्रश्न क्रमांक 9वां आपका 3 नंबर का है। तो इसमें भी देख लीजिए फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म द फॉर्म पोएम एंड आंसर, इसमें आपको पोएम बनाना है, ये दिख रही हैं आपको, ठीक है। इसके और जो इसके जो हैं क्वेश्चन है वो नीचे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद छात्रों देख लीजिए आपका आता है प्रश्न क्रमांक 10वां। तो इसमें भी देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको 33 वर्ड का होने वाला है और ये आपके हो जाएंगे 10 नंबर के, यानी कि इसमें आपको कोई 5 करना है और ये 2-2 नंबर के आपके हो जाएंगे। इसके बाद देख लीजिए छात्रों आपका आता है 11वां आता है, यहाँ पर देखिए आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपके 3-3 नंबर के हैं, एक आपका 3 नंबर का रहेगा, पूरे 5 हैं। इसमें देखिए 6 नंबर का है वैसे आपका,
ये पूरा एक, ठीक है ना, एक आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का पूरा जी, 11 है ना, पूरा 6 नंबर का है आपको। तो इनमें से आपको ओनली 4 भी करोगे तो आप कोई वो नहीं है, ठीक है ना। यानी 3 लिख रहा है तो इसमें आपको 3 लिखना है और 6 नंबर आप लोग ला सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बार बार देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको आंसर क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 4 नंबर का है आपका, यानी 2, तो इसमें आपको 3 है तो कोई 2 कर देना, इसी में काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर ही आपके वो देख लीजिए, 6 नंबर का है, यानी 2। यहाँ पर आपको 3 दिए गए हैं लेकिन आपको 2 करना है, ठीक है, कोई सा भी 2। इसके बाद ये आपकी 14 में पोएम बनाना है, आपको पोएम लिखना है, हैं। इसके बाद देख लीजिए अथवा का देख लीजिए, अथवा में भी आपको पोएम ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है कि दी नेबर या स्टोरी वन फ्रॉम द एड्रेस, तो इसमें आपको जो है एप्लीकेशन अपनी होती है ना उसको आपको लिखना है। तो आपको ये पूरा का पूरा पेपर बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको और वैसे के सब्जेक्ट चाहिए तो हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हो, हमने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है।